नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एलविज न्यू मूवी अपडेट्स। बिग बॉस के घर में आज होने वाला है बहुत बड़ा तांडव। पवित्र पुनिया ने गौहर खान को इतनी गालियाँ दी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको गालियाँ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। लेकिन राहुल ने पवित्र पुनिया के लिए सिर्फ ये कहा कि मुझे लगता है कि पवित्र पुनिया का क्रश है अभिनव। इस बात पर उन्होंने पूरा घर उठा दिया, रोने लग गई, यहाँ तक कि ये कहती भी दिखाई दी कि तुम वो लड़के हो जो कि औरतों को बदनाम करते हो, तुम वो कलंक हो जो कि औरतों पे लांछन उठाते हो। अब किसी को ये कह देना कि इसका ये या इसका क्रश हो सकता है, अगर वो बात औरतों पे लांछन उठाने वाली बात है तो पता नहीं कहाँ से सही और क्या ये पवित्र पुनिया सोच रही है। दूसरी बात कि यहाँ पे अगर पवित्र पुनिया का घर से बाहर कोई बॉयफ्रेंड है या जो भी है, अगर उस बेस में अगर वो सब पता है राहुल वैद्य को भी कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसका रिलेशन है, फिर भी वो घर के अंदर अगर इस तरह से बातें कर रहा है तो ऑफकोर्स वो गलत है। अगर नहीं भी है तो भी इस तरह से कहना सही नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम आप किसी को भी कह सकते हो कि भाई देखिए मेरे बारे में ये बातें मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस तरह से रिएक्शन देना कि आप मतलब एक ही समय में पागल हो जाओ, जब आप खुद किसी को गालियाँ देते हो, किसी को माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देते हो तो वो सही है, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई कुछ भी बोल दे तो वो गलत है। अब यहाँ पर देखना ये है कि राहुल वैद्य ने रियलिटी में क्या कहा, क्या उन्होंने कोई सरकाजम में कहा या फिर उन्होंने बदनाम करने के लिए कहा पवित्र पुनिया को, या फिर इस तरह से कहा कि वो अच्छी लड़की नहीं है, उनके सबके साथ रिलेशन है और उनका अभिनव के साथ भी क्रश है, इस तरह से उन्होंने कहा। अब किस तरह से उन्होंने कहा वो देखना आज बाकी है, बट अगर एक नॉर्मल वे में कहा है, एक बातचीत के दौरान कहा है कि हो सकता है कि उनका क्रश वो हो या फिर हो सकता है कि उनका क्रश है इसके लिए उनको फेवर करें, अगर ये बात कही है तो भी मुझे लगता है पवित्र पुनिया को एक बार कह देना चाहिए था कि इस तरह से बातें नहीं की जाए, ना कि उन्होंने उनको इस तरह से ड्रामा, बड़ा ड्रामा जो है खड़ा कर देना चाहिए था। आपको क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिखें, रियलिटी का आज पता चलेगा। धन्यवाद। बट फाइनली ये कहेंगे कि एक गेम है, कौन गेम किस तरह से खेलता है, कौन से पॉइंट पे कौन किस तरह से रिएक्ट करता है, यही ऑडियंस देखेगी, यही ऑडियंस जज करेगी। और पवित्र पुनिया जिस तरह से रिएक्ट कर रही है इस क्रश वाली बात पे, उस पे ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स होगा वो भी हमें देखना होगा। वेल, आपको क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं।